सक्सेस रेट विद द डेवलपमेंट, जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जैसे जैसे दवाएं आ रही है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ दवाएं हैं वो टेक्निकल हो जाए, साइक्लोस्पोरिन एक दवा जब तक हो जाती है, ट्रांसप्लांट बहुत फेलियर था, होता था इंसान का जिसम खुद ही उसको रिजेक्ट कर देता बाहर की चीज़ को, लेकिन जब से वो दवाई जा रही है 1980 की दिहाई से वो ज़्यादा मकबूल हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई और उसके बाद सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, मोर देन 80% सर्वाइवल रेट। एक खातून का 80 साल की उम्र तक जिंदा है जिनका जिगर ट्रांसप्लांट हो चुका है, यूरोप में रिपोर्ट हुए कि जिनका 80 साल ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, तो इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और आपको ये सवाल किया, इसमें होता है ग्राफ्ट का साइज, बिल्कुल साइज वो सर्जन डिसाइड करते हैं उसकी एज के और उसकी बॉडी फिजिक के हिसाब से, अगर साइज के हिसाब से बड़ा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, वो फिजिक के हिसाब से फैसला दिया जाता है। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके बाद एलिजिबल नहीं है कि आप ऐसी डिजीज मसलन, फॉर एग्जाम्पल किसी को एड डिजीज हो गया, गुर्दे खराब हो गए, वो अपने गुर्दे नहीं दे सकता लेकिन उसको और आगे नहीं दे सकता, ऐसी बहुत कम है। एग्जैक्टली, अगर ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये HIV है यानी कि एड्स है, इसमें फिर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन आएगी, यानी कि उसमें देखा जाएगा तो उसकी उस आने की हालत क्या है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज में आजाद इंसान असर से निकल के दूसरे में लगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब वो बीमारी उसके साथ नहीं जाती, लेकिन हम उसको नहीं कर रहे तो बायोप्सी की जाती है और बायोप्सी करके फैसला देने पॉजिटिव और नहीं है। आज यहाँ पर ऐसे तजवीज़ की गई है कि हमारे पाकिस्तान में आज़ाद जमाने के डोनेशन का प्रेगनेंट के बाद मौत के बाद ही डोनेट करने के लिए ऑर्डर ना किए जाने के साथ यहाँ से उसका जो है 12:100 है और अति अटकल के जाने वाला रेशो 0 है, इसकी बिना पर आज अमवात इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर उस मिल जाता फना को जिगर, फना को गुर्दा या फना को दिल मिल जाता, फना गए हुए शख्स का कि वो तो अब तकफीन होना ही है, तो इन तीन अफराद की के एक को जिगर, एक को गुर्दा, एक को दिल मिल जाता तो जान बच जाती होगी। अगर महाराज उजान के फतावा के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को गुजारने की कोशिश करें तो शायद वसीयत करके जाना कोई गलत काम नहीं बल्कि जायज काम है, और इस काम के जरिए से अगर हमारे जाने के साथ साथ किसी 3 या 4 या 6 अफराद की आंखों की बीनाई, उनका गुर्दा, उनका जिगर, उनका दिल मुतहरिक हो जाए, उनकी जान बच जाए और 6 अफराद की अफवाह के बजाय एक ही मौत हुई है जो गया है किसी खास रीजन से, तो फिर शायद ज़्यादा मुफीद साबित होगा, मामूल भी होगा और मुफीद फ़ायदा भी होगा इन अफराद के लिए दुनिया में और उसके लिए इस दुनिया से रुख्सत होने के बाद इन आज़ा को देना कितना मुफीद साबित होगा कि 6 को बचा कर जा रहा है, 4 को हयात देकर जा रहा है, तो ये वसीयत करना इतनी अहमियत रखता है। अब हम अगर ये देखें, डॉक्टर साहब ये बता रहे थे, डॉक्टर अली रजी साहब के, हमारे यहाँ 1500 अफराद ऐसे बिस्तरों पर लेटे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, 6 यूनिट से SIU के कराची में SIU के मुख्तलिफ जगहों पर उनकी ब्रांचेस 6 हैं, उन 6 ब्रांचेस का कहना है कि आप जाकर अगर विजिट करें तो 1500 से ज़्यादा एट अ टाइम मरीज लेटे हुए हैं जिनको अगर उसको मिल जाए वसीयत करने वाले का और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो यहाँ से उठ करके चलना करना शुरू कर दे। वाइटा डायलिसिस पर पड़ा हुआ या बिल्कुल इस तरह से है कि बस हयात भी है लेकिन ममात की तरह से है, जिंदा भी है लेकिन मुर्दा की तरह से, लोगों के ऊपर एक कमर नुकसान के और बाकी सही है एक बोझ बन करके कहते हो कि नाम हासिल करना है, बोझ बनकर वो पड़ा हुआ है तो उस बोझ बनने से भी वो बाहर निकल आएगा और लोगों की जान बच जाएगी। वसीयत किए जाने की तरफ गौर करना, जिंदगी में कोई नहीं मांग रहा है इतना ताकि से, लेकिन जाते वक्त तो कम अज कम वसीयत करने के हवाले से इंसान मुतालिक होकर जाए, बोल कर जाए, लिख कर जाए, इन्फॉर्म करके जाए, फॉर्म भर कर पहले से कि भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे जाने के बाद अगर इन कंडीशन में मेरी मौत होती है तो ये आज़ा फलाह को दे दिए जाए, फलाह हॉस्पिटल को, फलाह इदारे को दे दिए जाए,
ताकि उसके जरिए से लोगों की जान कर सके। डॉक्टर अगर आप बताना चाह रहे थे वो जो अवेयरनेस वाला था डॉक्टर अभी मुझे साथ की कुछ आपकी बात भी अच्छा सवाल है। कहते अगर किसी के बाल पर आधा क्यों उसके सर्जरी होती है ये आधा निकाले जाते हैं ऐसा जो जहन में पॉजिटिव चीज बढ़ भी जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं देख कर भी आया हूँ और ऐसा होता भी है और ऐसा हो भी चुका है सही में जिसने बाल अंदर उसके आधा दिया तो बहुत तरीके से जैसे जिंदा इंसान का ऑपरेशन होता है बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेशन करके मैं को पूरी इज्जत तकलीफ के साथ पहुँच किया जाता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल वो बैठ गया और चीर फाड़ गया और आधा खींचे और चले गए ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये गलत फहमी उनको फैलाई जाती है ये मैं खुद देख कर भी आया हूँ पर्सनली और ये दुनिया भर में एक तरीका प्राइज है कि बगैर किसी जिस तरह एक जिंदा इंसान को ऑपरेशन हुआ जिस तरह जिंदा इंसान को टाके लगाए थे बिल्कुल उसी तरह से टाके लगा कर जिसे हम इंसान के भरोसा के हवाले किया जाता है और आँख की जो पुतली निकाली जाती है इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि पूरी आँख निकाली गई कि पकड़ के बोलने की आप तस्वीर के वक्त एक आँख नहीं दिख रही तो लोग क्या कहेंगे रिश्तेदार ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। एक आँख की छिली निकल आँख की झिली वही चीज़ है जो इंसान अगर डेथ हो जाए यानी कार्डियक डेथ दिल की धड़कन भी हो जाए वो भी चार से छः घंटे बाद तक किया जा सकता है बिल्कुल पड़ जाए। एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल है कि अगर कोई डोनर जो है उसका इंतकाल मुल्क से बाहर होता है तो ऐसा अरेंजमेंट होता है कि मुल्क से बाहर होने में सिर्फ आँख की झिल्ली आ सकती है लेकिन बाकी आला का आना प्रैक्टिकली मुश्किल है। इसमें मैं थोड़ी सी बात बता दूँ शायद मौना साहब को याद हो कि यूरोप में 40 किडनियाँ मिली वो 40 गुर्दे जो थे वो यूरोप में उनके हिसाब से खराब हो गए थे यानी कि देर हो गई बिल्कुल लगने में उन्होंने वो 40 गुर्दे एसआईटी को भेज दिए और अदीब साहब ने अल्लाह का नाम लेके 40 मरीजों को जिनकी गुर्दा कोई देने वाला नहीं था वो मर रहे थे वो 40 लोगों को गुर्दे कर दिए और वो 40 के 40 गुर्दे चल पड़े और वो चलने के बाद जब उनको उसको पर एक पेपर लिखा गया दुनिया भर में पेपर मशहूर हुआ कि जी एसआईटी में 40 गुर्दे थे ऐसे बाहर मर गए और ये चल पड़े अब वहाँ से गुर्दे आना पड़ा अब उन्होंने खुद आगे शुरू कर ये भी ऐसा मुमकिन है। और ने सवाल पूछना तो पूछने के सवाल अगर और सवाल तो बाकी मेन ऑर्गन से सिर्फ मेन डेथ इस वक्त नहीं आ सकती है मतलब वो जो ये दिल दिल काम कर रहा हूँ दिल नहीं दिल और ये दिल लबलबा आते हैं फेफड़े इसे ब्रेन डेथ की जरूरत होती है लेकिन इसके अलावा जो जिगर का टुकड़ा गुर्दा खून का खून हड्डी का गुर्दा ये सब गंदगी में भी इसको निकाला जाता है। कुछ पहले घर में टेलीफोन की घंटी बजी। फौजिया ने फोन उठाया दूसरी तरफ से किसी ने बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा मिला है। डॉक्टर्स की हर मुमकिन कोशिश थी कि किसी तरह मेरे भाई की जिंदगी बचाई जा सके। वो अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी रहे लेकिन
नवेद का मुसलसल बेहोशी की हालत में होना डॉक्टर्स और हम सब के लिए तशवीश का बाइस था। डॉक्टर ने अब्बू और ताहिरा को बताया कि नवेद के दिमाग में सूजन मौजूद है, इसके अलावा खून के छोटे छोटे क्लॉट्स बन गए हैं, लिहाजा उसे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पर रखा जाएगा, इसके बाद ही यकीनी तौर पर कुछ कहा जा सकता है। जैसे कि ये हमारा दिमाग है तो ये मुझे में बहुत बड़ा है, लेकिन इसके मुकाबले में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये इसके नीचे वाला हिस्सा होता है जो ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे खुद का सांस लेने की जो सेंटर है वो मौजूद है। इसके नुकसान पहुँचने के बाद इस हिस्से को हम खुद से सांस नहीं ले सकते, और जब हम सांस नहीं लेंगे तो दिल की धड़कन बंद कर देगा। तो ब्रेन डेथ एक ऐसी कैफियत है जिसमें ये हिस्सा मुर्दा हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस सांस लेने का प्रोसीजर को मसूद तनफ़ुस की मशीन से भी भाग कर सकता है। आपका ये सवाल बड़ा रेलिवेंट है, लेकिन वो काम तो मशीन कर रही है, वो तनफ़ुस का अमल तो वो कर रही है, सांस तो वो दे रही है। अगर ये हटा लिया जाए तो सांस नहीं लिया जाए, और ये जो तरीका है मौत को सर्टिफाई करने का ये हतमी हमारे लिहाज से अब नवेद मा सकते हैं। ऐसा लगता था कि जैसे जब्त के सारे बंधन टूट गए हैं। यही वो वक्त था जब पापा को और हम बहनों को और एक कड़े इम्तिहान से गुजरना था। देखिए अनवर साहब, हम सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से इस दुनिया में आए हैं, और उसी की मर्ज़ी से हम इस दुनिया से लौट कर जाएंगे। बेशक, बेशक। अनवर साहब, जब हम सबको इस दुनिया से लौट ही जाना है तो फिर इससे अच्छी कोई और बात हो सकती है कि हम इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने पीछे कुछ चिराग रोशन कर जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहती हैं? कहना सिर्फ ये है कि आपका भाई और आपका बेटा नवीद अब हम सबसे दूर जा चुका है और उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या आप इस बात को मुनासिब नहीं समझते कि उसकी आंखें या दूसरे अज़ाब जो इस वक्त बिल्कुल ठीक हालत में है वो अत्या कर दिए जाएं? नवीद की भी ये ख्वाहिश थी। बेशुमार लोग हैं जो किसी न किसी वजह से अपने जिस्मानी आज़ा नाकारा हो जाने के बाद हस्पतालों के बिस्तरों पर मुंतज़र हैं एक ऐसे मसीहा के जो उन्हें मौत के मुंह में जाने से रोक सके और उन्हें नई ज़िंदगी दे सके। ये नंबर SIUD का है और इस सिलसिले में ये इदारा आपकी हर मुमकिन मदद करेगा। अल्लाह की मर्जी से होता है, हम तो सिर्फ उसके हर फैसले पे सर झुकाते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है। नवीद की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी मौत के बाद अपने आज़ा किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए अतिया करे। ऐसा लग रहा था कि उसकी इस ख्वाहिश के पूरे होने का वक्त आ गया था। छोटी बहन ताहिरा नाज ने उसी रात अस्पताल से SIUT फ़ोन किया और बताया कि वो नवीद के आज़ा अतिया करना चाहती है। SIUT से उसे नहायत हौसला अफजा जवाब मिला और कहा गया कि अगर फैमिली के तमाम अराकीन इस पर मुत्तफिक हैं और किसी को कोई एतराज़ नहीं है तो इस नेक काम में कोई हर्ज नहीं है। SIUT की तरफ से ताहिरा को ये भी बताया गया कि सिर्फ उन्हीं अफराद के आज़ा किसी दूसरे इंसान को अतिया किए जा सकते हैं जो हादसाती मौत का शिकार हुए हों या इंतकाल के वक्त इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मसनूई तनफ़ुस की मशीन पर रहे हों। इस एक फ़ोन कॉल से ताहिरा को अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल गए थे। SIUT के डॉक्टर्स ने हम सब की मर्ज़ी और नवीद की ख्वाहिश के मुताबिक उसके दोनों गुर्दे और दोनों आँखें महफूज कर लें ताकि उनके ज़रिए चार मुख्तलिफ लोगों को नई ज़िंदगी मिल सके।
हमारा भाई इस दुनिया से जाने के बाद अमर होना चाहता था और हमने इस अजीम मकसद को पाने में उसका साथ दिया। मेरे भाई नवीद का एक गुर्दा वाहिद को और दूसरा परहान नामी मरीजों को लगाया गया, जबकि नवीद की आंखें दो लोगों को अतिया की गई। नवीद मेरा भाई चला गया हमेशा हमेशा के लिए, मगर ऐसा लगता है जैसे अभी उसकी कहानी ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान में आज़ा की अदम फ्राहमी के बायस हर साल 150,000 अमवात होती हैं। मरने वालों में गुर्दे नाकारा होने, जिगर की खराबी, दिल के फेल होने, फेफड़े और लबलबे के मरीज शामिल होते हैं। आज़ा का अतिया मिलने से ये ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। काश इन सब मरीजों को भी कोई नवीद मिल जाए जो अपना आज कुर्बान होने के बाद उन सबको एक नया कल दे सके, जैसे मेरे भाई ने दिया। मेरा नाम बख्तावर है, मेरी उम्र 7 साल है। मेरा जिगर खराब हो चुका है, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मगर मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। क्या आप जिंदा रहने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, इन लोगों की जान बचाई जा सकती है। हम और आप आगे बढ़ें और अपने आजा का अतिया करें कि बातें मर की आजा निकाल करके लोगों को लगाएं। फहमीदा है, मेरी उम्र 11 साल है। मेरा जिगर खराब हो चुका है, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मगर मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। क्या आप जिंदा रहने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? जिंदा रहना चाहता हूँ, क्या आप जिंदा रहने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, इन लोगों की जान बचाई जा सकती है। हम और आप आगे बढ़े और अपने आजा का अतिया करें कि बातें मर की आजा निकाल करके लोगों को लगाए जाए। तमाम अफराद जो इश्तेहार में थे, मतलब अफसोस के साथ सबका इंतकाल हो चुका है। बस ये बताना चाह रहा था, अभी जो इश्तहार में ये मरीज दिखाए गए बिल्कुल ओरिजिनल मरीज थे। जब हमने ये इश्तहार बनाया था उसके बाद अब इन सबका एक एक करके इंतकाल हो चुका है, अब ये नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने अखबारों के जरिए, अपनी जबान के जरिए, अपनी रिश्तों के जरिए इस कार्य जान बचाए जाने का एक तरीका।